हेलो फ्रेंड्स, मैं मिलेकर्स लैब में आप सबका स्वागत है। आज हमारे पास ऊर्जा का एक बैटरी है, तो इसका मॉडल है UVA 500 DP। और इसमें एक ये फॉल्ट है कि उसका जो फॉल्ट का LED है वो ऑन होकर रहता है और इसमें कोई साउंड नहीं आता और कोई फंक्शन भी नहीं होता है। ठीक है, इसको हम खोलते हैं और उसको हम रिपेयरिंग करेंगे। ऊर्जा का UVA 500 DP एक पावर एम्पलीफायर है। ठीक है, इसको हम खोलते हैं और इसको हम रिपेयरिंग करते हैं। ये इसका AC इनपुट ट्रांसफार्मर है और इसमें दो फ्यूज लगा है, एक माइनस वोल्टेज का और प्लस वोल्टेज का। ये इसका रेगुलेटर का सर्किट है, इसमें वोल्टेज रेगुलेट होता है। और ये MOSFET का सर्किट है, इसमें 16 MOSFET लगा है। ये इसका फैन है जो हीट को कंट्रोल में रखता है। और ये इसका ओवरलोड स्विच है, इसमें 2 कैपेसिटर का यूज किया है। और ये इसका आउटपुट का ट्रांसफार्मर है। और ये इसका लाइन इन लाइन आउट माइक ऑक्स का सर्किट लगा हुआ है यहाँ पे। इसमें एक रेक्टिफायर लगा है जो सर्किट को माइनस वोल्टेज और प्लस वोल्टेज सप्लाई देता है। ये इसका ब्लूटूथ का सर्किट है, इसका वॉल्यूम का सर्किट है, ये इसका पीछे का साइड है। लाइन इन लाइन आउट माइक ऑक्स का इनपुट दिया गया है। इसका 1 ohm, 2 ohm, 4 ohm, 8 ohm है। इसका 2 फ्यूज है और ये इसका आगे का साइड है। तो ठीक है, इसको हम रिपेयरिंग करते हैं। एक मल्टीमीटर ले और इसको इसी 200 वोल्ट में सेट करें। पहले आप इस सर्किट में प्लस वोल्टेज माइनस वोल्ट को चेक करें और माइनस वोल्ट तो आ रहा है, तो हम इसका प्लस वोल्ट को चेक करते हैं। इसका प्लस वोल्टेज तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसका फ्यूज को हम देखेंगे पहले। ठीक है, इसका फ्यूज को पहले हम खोलते हैं। इसमें 20 एम्पीयर का फ्यूज लगता है। और फ्रेंड्स, ये फ्यूज खराब है, तो हम एक नया फ्यूज को उसको लगाते हैं। अभी हम इस कंपनी को ऑन करके देखते हैं कि ठीक हुआ कि नहीं। ये हमारा एंट्री तो ऑन हो गया है, और इसका जो फॉल्ट LED है वो भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ठीक हो गया है। तो इसको हम थोड़ा लगा के देखते हैं इसका साउंड आ रहा है कि नहीं। ठीक हो गया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स लैब को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपना हो सके शेयर करें।